हेलो दोस्तों, मैं हूं एसबी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, अगस्त के महीने में मतलब कि 14 अगस्त को एक तरीके से ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ था बॉलीवुड की मूवी स्त्री 2, जिसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी, आपाशक्ति खुराना के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलते हैं। जहाँ पे स्त्री 2 मूवी को लगभग थिएटर्स में रिलीज हुए 6 डेज के आसपास का कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के 6 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे स्त्री 2 मूवी का जो टोटल बजट है वो लगभग 60 करोड़ के आसपास का है, तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया में 3000 के आसपास के स्क्रीन रिलीज किया गया था। जहाँ पे इस मूवी के रिलीज होने से पहले इस मूवी को लेके मार्केट में अच्छा खासा हाइप क्रिएट हुआ था, जिसके वजह से इस मूवी का जो एडवांस टिकट बुकिंग था वो भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और ये मूवी जो कि 15 अगस्त को ऑफिशियली रिलीज हुआ था, इस मूवी के रिलीज होने के एक दिन पहले इस मूवी का एक पेड प्रीव्यू भी रखा गया था, जिस दौरान भी इस मूवी ने काफ़ी तगड़ा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था। जहाँ पे इस मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को मतलब कि अपने पेड प्रीव्यू के दिन लगभग 6 करोड़ 25 लाख के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। जहाँ पे इस मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को मतलब कि अपने पेड प्रीव्यू के दिन लगभग 8 करोड़ 50 लाख के आसपास का नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन करने के बाद जब ये मूवी 15 अगस्त को सारे थिएटर्स में रिलीज हुआ, तो उस दौरान भी इस मूवी ने लगभग 48 करोड़ 50 लाख के आसपास का कलेक्शन किया था। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी का रिव्यू काफी अच्छा निकलने के वजह से इस मूवी का जो टेवा इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हमें एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। जहाँ पे स्त्री 2 मूवी अपनी रिलीज होने के लगभग 5 डेज के अंदर अंदर ही हमारे इंडिया से 189 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर चुका था, जिसी के साथ इस मूवी ने अब तक ओवरसीज से भी लगभग 43 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी ने अपने डे 6 को लगभग हमारे इंडिया से 35 करोड़ से लेकर 40 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है, जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के 5 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो अब इस 3-2 मूवी के 6 डेज का जो हमारे इंडिया का नेट कलेक्शन होता है वो लगभग 224 करोड़ से लेकर 229 करोड़ के आसपास का चला जाता है। जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के 5 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो अब इस 3-2 मूवी के 6 डेज का जो हमारे इंडिया का नेट कलेक्शन होता है लगभग 224 करोड़ से लेकर 229 करोड़ के आसपास का चला जाता है। जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के ओवरसीज के कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो अब इस 3-2 मूवी के 6 डेज का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है वो लगभग 268 करोड़ के आसपास का चला जाता है। चूँकि एक 60 करोड़ के बजट में बनी मूवी के लिए तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है ही, और अभी के टाइम पे इस मूवी का जिस तरीके का हमें डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिल रहा है, उससे एक बात तो मैं कन्फर्म कह ही सकता हूँ कि आप इस 3-2 मूवी का ऑल टाइम हमारे इंडिया का जो नेट कलेक्शन होगा वो 400 करोड़ से लेकर 500 करोड़ के आसपास का जा सकता है। चूँकि एक 60 करोड़ के बजट में बनी मूवी के लिए तो काफ़ी तगड़ा कलेक्शन है ही, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे हमें दिनेश विजन का जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है वो और भी एक्सट्रीम लेवल पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने अगर स्त्री 2 मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।